दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2021 के अपने तीसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को एक बहुत ही शानदार तरीके से जो है वो हराया है, बहुत ही बड़ी जीत जो है वो हासिल करी है और इस जीत के साथ ही टीम इंडिया के सेमीफाइनल के रास्ते जो है वो खुल चुके हैं। जहां पर दोस्तों इस मुकाबले की बात करें तो टॉस अफगानिस्तान की टीम ने जीता, पहले बॉलिंग कराने का फैसला लिया और टीम इंडिया की कमाल की बल्लेबाजी हमें देखने को मिली, जहां पर रोहित शर्मा और KL राहुल ने बहुत ही शानदार शुरुआत दी और इसके बाद मैच को फिनिश किया हार्दिक पंड्या और ऋषभ पंत ने। जहां पर आपको बता दें कि 20 ओवर में टीम इंडिया ने 210 रन जो है वो स्कोर किए और डिफेंड करते हुए इस मैच को बड़े ही आराम से जो है वो किया अपने नाम, बहुत ही बड़ी ये जीत थी। इसके बाद नेट रन रेट भी टीम इंडिया का काफी बढ़िया जो है वो हुआ है। अब दोस्तों आपको बता दें कि टीम इंडिया को अपने अगले दोनों मुकाबले जो है वो बड़े बड़े अंतरों से जीतने हैं और इसके बाद अगर अफगानिस्तान की टीम अपने आखिरी मैच में न्यूजीलैंड को हरा देती है तो टीम इंडिया पहुंच जाएगी सेमी फाइनल में। तो बहुत ही बढ़िया ये जीत थी और बहुत ही बड़ी ये जीत थी टीम इंडिया के लिए और टीम इंडिया के सेमीफाइनल के रास्ते जो है इस जीत के साथ खुल चुके हैं। आपको क्या लग रहा है कि टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचेगी, अफगानिस्तान की टीम अपने आखिरी मुकाबले में न्यूजीलैंड को हरा पाएगी? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और इसी तरह से अपडेट्स पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।